श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में घर के मंदिर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह न केवल पूजा का स्थान है बल्कि इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का स्रोत भी माना जाता है। श्याम भक्तों, वास्तुशास्त्र और हिंदू शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर को स्थापित करने के लिए दिशा, स्थान और उसके निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि घर में मंदिर का स्थान किस जगह होना चाहिए, कहाँ पर मंदिर को स्थापित करना चाहिए। श्याम भक्तों, घर का मंदिर ऐसे स्थान पर आप सभी को बनाना चाहिए जो स्थान आपकी नजर में काफी पवित्र हो और वहाँ का वातावरण काफी शांत हो। श्याम भक्तों, मंदिर को आपको ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जिसका एक अलग कक्ष हो, यानी एक अलग से कमरा हो, और उस कमरे में आप भगवान का मंदिर स्थापित करके भगवान की पूजा बड़े ही शांतिपूर्वक आप कर सके, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास अलग से कमरा नहीं होगा, जो एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कमरे में गुजारा करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में ही बताएंगे। श्याम भक्तों, हमारा जो घर का मंदिर होगा वो रसोई, शौचालय या आपके बेडरूम के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों, इससे मंदिर की पवित्रता भंग होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रसोई में ही अपना मंदिर बना लेते हैं, और रसोई में आप जानते हैं आप अपने मन मुताबिक भोजन बनाते हैं। कोई प्याज का भोजन बना रहा है, कोई किसी प्रकार का विशेष भोजन बना रहा है। अगर आपका वहां पर मंदिर बना रहता है तो इससे मंदिर की पवित्रता भंग हो सकती है। और नहीं श्याम भक्तों, आप जहाँ सोते हैं, आपका जहाँ बेडरूम है, वहाँ पर आपको अपने घर का मंदिर बनाना चाहिए। साथ ही साथ श्याम भक्तों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए जहाँ मंदिर की स्थापना कर रहे हैं उसका जो दीवार है उसके ठीक पीछे शौचालय नहीं होना चाहिए या उसके ठीक आगे शौचालय नहीं होना चाहिए। मंदिर को जहाँ भी स्थापित करें उसका एक दिशा और एक स्थान होगा, जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिरों को सीढ़ियों के नीचे बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में मंदिर की जगह नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, अपनी अलमारियों के अंदर ही मंदिर को बना लेते हैं, और अलमारियों की जो कबोर्ड है उस पर ही भगवान की स्थापना कर देते हैं। स्थापना करने के बाद उस कबोर्ड को जब वो पूजा पाठ कर लेते हैं तो कबोर्ड को बंद कर देते हैं। तो आपको सीढ़ियों के नीचे और अलमारी के अंदर मंदिर की स्थापना भूल से भी नहीं करनी है, क्योंकि श्याम भक्तों, इससे आपको पूजा का फल तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ वास्तु दोष अलग से लग जाता है। श्याम भक्तों, यदि स्थान की कमी है तो आप अपने घर में मंदिर को किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं जो आप अपने घर में मंदिर को स्थापित करेंगे उसका दिशा किस प्रकार से होना चाहिए, यानी किस दिशा में आप अपने घर के मंदिर को स्थापित करेंगे। श्याम भक्तों, अगर आपके घर में पहले से ही मंदिर के लिए जगह बना हुआ है तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। श्याम भक्तों, आपको ये पता होना चाहिए आप जो भी देवी देवता को स्थापित कर रहे हैं या बिठा रहे हैं उनका मुख किस दिशा की तरफ होना चाहिए, और आपका पूजा करते समय मुख किधर की तरफ होना चाहिए, और भगवान को किस दिशा में आपको स्थापित करना चाहिए। श्याम भक्तों, सबसे पहले आता है उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि इस दिशा को हम ईशान कोण के नाम से भी जानते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है यदि आपका घर का मंदिर ईशान कोण में स्थापित है, यानी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ स्थापित है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व दिशा जो होता है वो उत्तर और पूर्व का जो मध्य वाला भाग होता है, यानी बीच वाला हिस्सा होता है, उसे ईशान कोण बोला जाता है। अगर आपके घर में ईशान कोण है और आपको लगता है कि आप वहां मंदिर रख सकते हैं तो इससे और उपयुक्त कुछ हो ही नहीं सकता, यानी आप आंख बंद करके वहां पर मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। श्याम भक्तों, ईशान कोण जो है सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। श्याम भक्तों, ईशान कोण जो है वो देवताओं का स्थान होता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस कोने में मंदिर की स्थापना करते हैं तो भगवान का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। श्याम भक्तों, अगर आपके घर में ईशान कोण की व्यवस्था न हो, यानी अगर आपको लगता है कि ईशान कोण आपके घर में नहीं है, तो आप अपने घर में मंदिर की जो दिशा है वो पूर्व दिशा की तरफ रख सकते हैं, यानी पूर्व दिशा की तरफ आप स्थापित कर सकते हैं। पूर्व दिशा सूर्य का स्थान है और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है, यानी ये दिशा भी अपने आप में अति शुभ मानी जाती है। यानी श्याम भक्तों, जब आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपका जो मुख होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होगा, यानी आप अपने घर के मंदिर को
पूर्व दिशा की तरफ स्थापित कर सकते हैं। तो शम भक्तों, यहाँ पर मैंने आपको दो दिशा बता दी है। अगर आपके घर में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में मंदिर लगाने की जगह नहीं है या ऐसी जगह नहीं बन पा रही है कि आप उस दिशा में मंदिर लगा पाए, तो आपको फिर किस दिशा की तरफ मंदिर लगानी चाहिए? आप खाटू धाम गए होंगे तो खाटू धाम में आपने देखा होगा कि बाबा श्याम का जो शीश है, उनका जो मुख है, वो पूर्व दिशा की तरफ है। यानी जब आप भगवान की पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, तो आपका जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा। साथ ही श्याम भक्तों, श्याम बाबा के मंदिर के ठीक सामने, यानी जो बाबा का गर्भगृह है, उसके ठीक सामने गोपीनाथ जी का मंदिर है। उनका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। यानी जब आप गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे तो जो आपका मुख होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होगा। श्याम भक्तों, इस प्रकार से अगर दिशा ना मिल रही हो, अगर आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा की कमी हो, तो आप अपने घर के मंदिर को पश्चिम दिशा की तरफ भी स्थापित कर सकते हैं। उस समय श्याम भक्तों, देवताओं का जो मुख होगा वो पूर्व दिशा की तरफ रहेगा और आपका जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे। यदि श्याम भक्तों स्थान की कमी है तब आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर आपके पास इन तीनों दिशाओं की कमी है या जगह नहीं है आपके घर में, तो आप उत्तर दिशा की तरफ भी आप अपने मंदिर को स्थापित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, उत्तर दिशा को धन समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और इस दिशा को भी मंदिर के लिए, अगर आपके घर में पर्याप्त जगह नहीं है, कोई उपयुक्त जगह नहीं मिल रही, अगर आप काफी मजबूर हैं, तो आप इस दिशा में भी अपने घर के मंदिर को स्थापित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, दिशाओं का ज्ञान किस प्रकार से होगा, इसके लिए आप अपने मोबाइल के कंपास से आप दिशा का ज्ञान ले सकते हैं। यानी मोबाइल के अंदर आप कंपास को ओपन करेंगे और कंपास से आप देख लेंगे कौन सी डायरेक्शन किस साइड की है, क्योंकि श्याम भक्तों, हर स्थान का, हर जगह की दिशा जो होती है अलग अलग होती है, तो आप कंपास के जरिए दिशा सही पता लगाकर अपने घर में मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं मंदिर की संरचना या मंदिर का डिजाइन किस प्रकार का होना चाहिए। श्याम भक्तों, घर में अगर आप मंदिर स्थापित कर रहे हैं तो आप चाहे तो लकड़ी का मंदिर स्थापित कर सकते हैं और यदि आप चाहे तो संगमरमर का मंदिर भी स्थापित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, जो भी मंदिर आप घर में स्थापित कर रहे हैं उसकी जमीन से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। यानी ऊंचाई इतनी ही रखनी चाहिए कि आप आसन पर बैठकर आराम से भगवान की पूजा कर सके, भगवान को देख सके, भगवान का स्नान इत्यादि आप करा सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घरों में मंदिर को दीवारों पर ऊंचे स्थान पर टांग देते हैं और वहाँ पर वो सही तरीके से पूजा पाठ नहीं कर पाते। श्याम भक्तों, आप सभी को विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, बड़े ही मन को शांत करके और श्रद्धा पूर्वक बैठकर, आसन के ऊपर बैठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। और अगर आप अपने घर के मंदिर को ज़्यादा हाइट पर अगर आप लगा देंगे, तो जब आप आसन लगाकर बैठेंगे तो सामने तो आपको दीवार नजर आएगा, भगवान तो काफ़ी ऊपर आपके मंदिर में स्थापित होंगे, तो फिर बार बार आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, इससे आपकी पूजा पाठ भंग हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मंदिर को एक विशेष ऊंचाई तक ही आपको सीमित रखना है। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं, मंदिर में हाथ डालते हैं, इधर उधर कर देते हैं। श्याम भक्तों, ये तो आपको देखना होगा, मैनेज करना होगा। अगर आप धूप बत्ती दीपक वगैरह जलाते हैं तो सावधानी भी आपको बरतनी होगी। तो श्याम भक्तों, अपने घर में मंदिर सिर्फ इसलिए ना लगाएं कि आप मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आपने मंदिर को बहुत ही उच्च स्थान पर लगा दिया है, लटका दिया है, तो सिर्फ मंदिर को शोकेस के लिए, इस तरह से सजाने के लिए आपको नहीं लटकाना चाहिए। श्याम भक्तों, मंदिर के अंदर जो भी आप मूर्ति वगैरह रख रहे हैं वो 6 या 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि हम कैसे नापेंगे, तो श्याम भक्तों, 15 सेंटीमीटर का एक स्केल आता है, आप उस स्केल के जरिए देख सकते हैं कि आपको कितनी ऊंचाई वाले भगवान की मूर्ति आपको अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के मंदिर में पहले से ही बड़ी मूर्तियां स्थापित कर रखी हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसे जो भक्त हैं वो काफ़ी लंबे समय से पूजा करते आ रहे हैं, तो एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अगर आप अपने घर में नया मंदिर ला रहे हैं, आप नई मूर्तियाँ ला रहे हैं, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, मंदिर के अंदर खंडित मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें, तो ऐसी तस्वीर वगैरह नहीं रखनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो पूजा पाठ कर लेते हैं,
घी का दिया या तेल का दिया जला देते हैं अपने घर के मंदिर में। जब पूजा समाप्त हो जाती है, जब वो पूजा पाठ कर लेते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो आरती का दीपक या जो भी दीपक जल रहा होता है वो एक विशेष अवधि के बाद बंद हो जाता है, तो वो दीपक वहीं पड़ा रहता है। जब दीपक बंद हो जाता है तो भगवान के पास से उस दीपक को उठा के नीचे रख देना चाहिए और जो उसके अंदर जली हुई बाती है दीपक में से उठाकर एक विशेष स्थान पर रख देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धूपबत्ती या अगरबत्ती जो भी जलाते हैं तो माचिस की जो तीली है जलने के बाद वहीं मंदिर के आसपास में डाल देते हैं, वहीं पर फेंक देते हैं। तो इस तरह की भूल भी आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए शम भक्तों, अब बात करते हैं जो आप घर के मंदिर में आप मूर्ति या तस्वीर आप रखने वाले हैं उसकी व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। शम भक्तों, अगर आप भगवान की मूर्ति वगैरह अपने घर के मंदिर में रख रहे हैं, मान लीजिए बाबा श्याम का ही शीश आपने अपने घर के मंदिर में रखा है, तो जो शीश है वो मंदिर से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। यानी जो आपकी मंदिर की दीवार है, उस मंदिर की दीवार से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सटा देते हैं। मंदिर की दीवार से पूरी तरह से सटाना नहीं है, स्पेस रखना है। तो श्याम भक्तों, आप कहेंगे कि हमारा मंदिर छोटा है, हम स्पेस रखेंगे तो बाकी मूर्तियां कहाँ आएंगी। तो श्याम भक्तों, आपको इतना ज्यादा स्पेस नहीं रखना है, 1 या 2 इंच का स्पेस आपको सिर्फ रखना है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल सटा दिया, हल्का सा आप इतना सा दूरी आप बना के रख सकते हैं, थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल भी आप मंदिर वगैरह में जाते होंगे तो आप देखते होंगे जो प्रतिमा है बिल्कुल दीवार से सटी हुई नहीं होती, दीवार से हटके होती है। तो इस तरह से आपको अपने घर के मंदिर में प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इससे श्याम भक्तों होता क्या है कि ऊर्जा का प्रभाव चारों तरफ बना रहता है। श्याम भक्तों, घर के मंदिर में आपने दुर्गा जी की प्रतिमा लगाई है, गणेश जी की प्रतिमा लगाई है, हनुमान जी को आपने स्थापित किया है, शिव जी को आपने स्थापित किया है, भगवान विष्णु को आपने स्थापित किया है, बाबा श्याम को आपने स्थापित किया है, तो इन सभी की प्रतिमा एक विशेष स्थान पे होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से स्थान पे होनी चाहिए। श्याम भक्तों, आप जो मंदिर में भगवान की चित्र या प्रतिमा स्थापित करेंगे तो मंदिर की भी 3 दीवार होती है, एक पीछे वाली, एक दायां और एक बायां। श्याम भक्तों, उत्तर दिशा की तरफ आपको श्री गणेश जी का प्रतिमा या चित्र को स्थापित करना चाहिए। श्याम भक्तों, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ यानी कि ईशान कोण की तरफ आपको लक्ष्मी माता, कुबेर जी, शिव परिवार और राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करना चाहिए, यानी उनकी पूजा करनी चाहिए। श्याम भक्तों, पूर्व दिशा की तरफ आपको श्री राम दरबार की स्थापना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की अगर प्रतिमा या चित्र है तो उनकी स्थापना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, सभी देवी देवताओं की तस्वीर या फोटो को आप घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों, आपके स्थान कोण में जगह नहीं बच रही तो आप पूर्व दिशा की तरफ ही सारे भगवान को स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, आपका घर का मंदिर जो भी दिशा में बना है, परंतु आपने मंदिर को तो एक उचित दिशा दे दी है, परंतु मंदिर के अंदर जो देवी देवता बैठे हैं अब उनको भी एक उचित दिशा में आपको स्थापित जरूर करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको सभी देवी देवता को वहां पर स्थापित करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि इस देवता को कहाँ रखे, उस देवता को कहाँ रखे। तो ऐसे जो भी भक्त हैं वो अपने घर के मंदिर में जहाँ भी जगह हो वहाँ पर भगवान को स्थापित कर दें और सच्चे मन से ध्यान से पूजा करें तो भगवान की विशेष कृपा बन जाती है। श्याम भक्तों, ये तो मैंने एक शास्त्र मत नियम बताए हैं। बाकी अगर जगह नहीं मिलता है घर के मंदिर में तो आप भगवान को उनको मंदिर में किसी भी स्थान पर स्थापित करके उनकी पूजा या आराधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं श्याम भक्तों, मंदिर की सफाई या मंदिर की देखभाल। श्याम भक्तों, आपको मंदिर की नियमित रूप से साफ सफाई करते रहना चाहिए, वहां पर धूल कण या गंदगी को जमा नहीं होने देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भगवान को जब स्नान कराते हैं तो उनके जो कपड़े होते हैं वो मंदिर के आसपास में ही रख देते हैं या मंदिर का जो डोर बना होता है उसके अंदर डाल देते हैं। तो श्याम भक्तों, मंदिर में जो भगवान ने कपड़े पहने थे उन कपड़ों को धोने के बाद, धूप में सुखाने के बाद, उन कपड़ों के ऊपर गंगा जल छिड़कने के बाद फिर प्रभु को अगले दिन उस वस्त्र को धारण जरूर कराना चाहिए। श्याम भक्तों, घर के मंदिर के ऊपर धूल कण काफी जम जाती है। जब आप घर में झाड़ू वगैरह लगाते होंगे तो झाड़ू से जो मिट्टी, धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है वो मंदिर पर जाके जगह जगह जम जाती है। तो ऐसी कोशिश करें जब आप पूजा पाठ करें तो एक बार मंदिर के ऊपर भी कपड़ा आपको मार देना चाहिए, मंदिर की सफाई आपको रखनी चाहिए। श्याम भक्तों, पूजा करने के बाद जो प्रयोग की गई सामग्री है, जैसे फूल वगैरह लोग चढ़े हुए छोड़ देते हैं मंदिर के अंदर, जैसे कि आपने सुबह पूजा की, सुबह आपने भगवान को पुष्प वगैरह अर्पण किए, अब शाम तक होता क्या है कि वो पुष्प वगैरह मुरझा जाती है, तो आपको वो सारे फूल वहाँ से उतार लेने चाहिए और साथ ही साथ जो धूपबत्ती की राख वगैरह होती है वो मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए, उस राख वगैरह को वहाँ से हटाकर मंदिर को साफ साफ सुथरा रखना चाहिए।
श्याम भक्तों, अगर आप घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो दीपक को कभी भी हाथ से ना बुझाएं, दीपक को जलने दें। अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं और दीपक आपका जल रहा है और आपका समय भी हो रहा है बाहर जाने का, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप जलता हुआ दीपक तो आप घर में छोड़ के नहीं जाएंगे और ना ही कहीं बाहर वगैरह रख सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको शुद्ध जल से भगवान से क्षमा मांगते हुए उस दीपक को बंद करना चाहिए। या आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आपको पता है कि आप बाहर जाने वाले हैं तो उतना ही तेल या घी आपको डालना चाहिए, जिससे कि आपके उस समय तक वो दीपक जलकर अपने आप बंद हो जाए। शम भक्तों, जो आपके घर का मंदिर है उसमें अगर आपने पर्दा वगैरह लगा रखा है तो उस पर्दे की नियमित रूप से आपको सफाई करते रहना चाहिए। यानी मान के चलिए हफ्ते में एक बार तो आपको उस पर्दे को धो लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार पर्दा लगा देते हैं, महीनों भर तक उसी पर्दे को चलाते हैं और उस पर्दे पर बहुत ही धूल मिट्टी और इत्यादि जमा हो जाती है, तो आपको मंदिर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आपका घर छोटा है और आपके घर में मंदिर रखने की जगह नहीं है, यानी अगर आप एक ही कमरे में रहते हैं, उसी कमरे में सोते हैं, उसी कमरे में खाते हैं, उसी कमरे में पूरा परिवार सोता है, अब उसी घर में आपका मंदिर है, आपने मंदिर बनाया हुआ, तो अब आपका ये कहना है कि अब हम क्या करें, मंदिर कहाँ बनाएं? जैसे कि हमने अभी आपको बताया, घर के अलग कमरे में मंदिर होना चाहिए, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास 3-4 कमरे हो या अलग कमरा हो। बहुत सारे लोग अपार्टमेंट और सोसाइटी में भी रहते हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट सोसाइटी में तो अलग से मंदिर बना होता है और बहुत सारे बिल्डर्स वगैरह अपने अपार्टमेंट और सोसाइटी में मंदिर के लिए एक विशिष्ट जगह भी दे देते हैं, परंतु बहुत सारे अपार्टमेंट और सोसाइटी में मंदिर के लिए जगह नहीं बनाते। यानी कि मनुष्यों को रहने के लिए तो बहुत सारे कमरे बना देते हैं, पर भगवान को स्थान वो घर के अंदर नहीं देते। तो भगवान को स्थान हम खुद देते हैं, यानी जब हम घर में आते हैं, घर में रहने आते हैं, तो घर में एक मंदिर लेकर आते हैं और उस मंदिर की स्थापना करते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपके पास एक ही कमरा है, उस कमरे में आप भगवान को स्थापना करिए, मंदिर लगाइए। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अभी आप मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, मंदिर की तरफ पैर करके आपको नहीं सोना है। यानी उस कंडीशन में श्याम भक्तों, जहां बहुत ज्यादा मजबूरी है, जैसे दुकानदार वगैरह है, उनको ज्यादा स्पेस वगैरह नहीं होता, तो वो अपने मंदिर को कोने में टांग देते हैं, ऊंचाई पर टांग देते हैं, नीचे स्लैब वगैरह लगा देते हैं, उस पर धूपबत्ती अगरबत्ती रखी रहती है, तो वो पूजा पाठ कर लेते हैं। तो जहां मजबूरी है वहां कुछ किया नहीं जा सकता, ये प्रभु भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं। और जहां आपके पास एक ही कमरा हो तो उस कमरे में जैसे आप पूजा पाठ कर लेते हैं, जब प्रभु का संयन का समय आता, सोने का समय आता, तो जैसे आप परिवार के साथ एक ही कमरे में रह रहे हैं, तो उस समय में आपको मंदिर का पर्दा कर देना चाहिए। यानी रात्रि के समय में आपको पर्दा कर देना चाहिए और भगवान का शयन करा देना चाहिए। पूजा करने से पहले अपने घर में गंगा जल छिड़केंगे, अपने घर को पवित्र करेंगे, उसके बाद आप भगवान की पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे। श्याम भक्तों, अगर छोटा घर है तो एक छोटा मंदिर आपको लेकर आना चाहिए और अपने घर में मंदिर को एक व्यवस्थित स्थान पर लगाना चाहिए। सेल्फ लगा सकते हैं, जहां पर अगरबत्ती धूपबत्ती वगैरह आप रख सकते हैं। अगर मंदिर के अंदर ही डोर वगैरह बना है तो उसके अंदर आप रख सकते हैं। इस तरह से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। वैसे श्याम भक्तों, जो बेडरूम हो, यानी जो सोने का कमरा हो, वहां पर मंदिर वगैरह नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। परंतु मजबूरी है तो कुछ किया नहीं जा सकता, भगवान की हमें पूजा करनी ही करनी है। हम अपने स्तर पर प्रभु की आराधना, भगवान की पूजा बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे घरों में आप चाहे तो देवी देवताओं की प्रतिमा न लाकर भगवान की तस्वीर वगैरह रखकर भगवान की आराधना आप कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से अब आपको पता चल गया होगा कि घर में अगर मंदिर की स्थापना कर रहे हैं तो आपको स्थान, दिशा और उसके रख रखाव से जुड़े हुए नियमों का आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। मंदिर का स्थान केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एक विशेष स्रोत होता है। यदि श्याम भक्तों, इन नियमों को शास्त्रों के निर्देश अनुसार सही तरीके से पालन किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।